साथियों, महंगाई भत्ते को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी मंच ने मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने कहा है कि महंगाई भत्ता नहीं मिलने पर आचार संहिता के बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार ने 4% महंगाई भत्ते का लाभ ना देकर प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को निराश किया है। महंगाई भत्ता ना मिलने के कारण प्रति माह 150 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्मचारी मंच द्वारा मुख्य सचिव को भेजी ज्ञापन में कहा गया है कि महंगाई भत्ते को लेकर जल्द आदेश जारी नहीं हुए, जून के बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो यह है कि महंगाई भत्ते को लेकर लेटेस्ट अपडेट। शीघ्र ही महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए कर्मचारियों के लिए। अगर 4% महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाता है तो फिर आंदोलन किया जाएगा आचार संहिता हटने के बाद। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।